वफादारी नहीं कर सकते, हम तेरे दुश्मन की तरफदारी नहीं कर सकते। ऐ माता हिंद, तेरा दूध पिया है हमने, हम तेरी बॉप से गद्दारी नहीं कर सकते। मेरी लड़ाई श्री बीजेपी के साथ, मैं किसी भी कीमत पे अमोल जावड़े को जीतने नहीं दूंगा और जीतने नहीं देना चाहता। तो किसी भी कीमत पे हमें अमोल जावड़े को हराना है, हराना है, हराना है। जय हिंद आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम में मोहम्मद कैद। इस वक्त बात कर रहा हूँ खास और अहम खबर पर। आप देख रहे हैं हमारा शो चर्चा चुनाव की। आज हमारे साथ रावेर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार माननीय मुश्ताक हाजी साहब, आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा शो चल रहा है चर्चा चुनाव की, उसमें आपका स्वागत है, वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्ते। मेरी लड़ाई श्री बीजेपी के साथ है, मैं किसी भी कीमत पे अमोल जावड़े को जीतने नहीं दूंगा और जीतने नहीं देना चाहता। मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे हमें अमोल जावड़े को हराना है, हराना है, हराना है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ, इन गुस्ता के रसूलों को इनकी जगह दिखाना है, किसी भी कीमत में अमोल जावड़े को हराना है। रेलवे के अंदर हमारे कोई भी दाढ़ी वाले मुसलमान जाते हैं, दाढ़ी की तोहिन करते हैं, दाढ़ी पकड़ के इनको मारते हैं। इन्होंने यहाँ पे जो राज चल रहा है इनका, हमारी लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है, और किसी भी कीमत पे मुझे अमोल जावड़े को हराना है। जनता का मैं सभी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे सभी तरफ से मैसेज आ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी मुस्लिम भाई से, जय भीम भाई, सभी समाज के लोगों से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे भाई हैं यहाँ पे संजू भाई, जो ट्रैवल्स वाले हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत मुझे आज बधाई दी और बोले हाजी साहब हम तुम्हारे साथ हैं, आप हकी लड़ाई लड़ रहे हो। मैं सभी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें जो वोट का अधिकार दिया, इसमें मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, हर एक समाज को सड़ी का अधिकार दिया। अगर आप इन वोटों को तराजू में रखें तो करोड़पति रहो या भिखारी रहो, सबको एक समान बाबा साहब ने हमें वोट करने का अधिकार दिया। तो पहले ज़माने के अंदर रानी के पेट से राजा पैदा होता था, बाबा साहब ने हमें वो अधिकार पेटी के अंदर दिया अभी, कि पेटी से आप आपका राजा खड़ा करो और आपकी हक की लड़ाई करने लड़ने वाला राजा खड़ा करो। तो मैं सभी जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि आज बाजार के अंदर भैंस की कीमत 80,000 है, कम से कम कुत्ते की कीमत 15,000 है, 200-500 रुपए में अपना वोट मत बेचो। हमारा वोट बाबा साहब ने दिए अधिकार का बहुत कीमत रखता है। तो मैं आपके पास में जो भी आपके वोट की कीमत लगाने आए उसे पहले जूते से मारो कि तू हमारे 200-500 रुपए की कीमत समझता है हमारे वोट की। मैं सभी जनता से ये अपील करूंगा रावेर यावल विधानसभा से कि आप इस वक्त एक रुपए के अंदर किसी के एक रुपए के दबाव में ना आते। ये लालची दलाल जो घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, 1,000 रुपए वोट से पैसे लेके 500 रुपए वोट के आपको पैसे देंगे, 200 रुपए वोट के आपको पैसे देंगे और आपकी दिशा भूल करेंगे। मैं सभी जनता से अपील करूंगा, तुम्हारा वोट एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकता, यही वोट तुम्हारा बच्चों का भविष्य बना सकता। तो मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि तुम सही आदमी को चुन के दो, हमें किसी भी कीमत पे इधर बीजेपी को हराना है, हराना है, हराना है। जिस तरीके से हाजी साहब, मैं आपको एक आखिरी सवाल ये रहेगा सर हाजी साहब आपसे, कि इस मतदान के अंदर आपको अच्छे से प्रतिशत वगैरह मिलता है, पर सर आपका जो चुन कर आने के बाद में जो रीजन रहेंगे आपके, क्या तरीके से, किस तरीके से आप काम करेंगे? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा सबसे बड़ा रीज़न है इधर, मैं जो इधर देख रहा हूँ, मेरी भी ज़िंदगी इधर गुजर गई आज, तो मसले मसाइल को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आज मेरी बहन, माए, बूढ़े, आज मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसला इधर हॉस्पिटल का है। चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने मुझसे वादा किया है कि हाजी साहब हम इस एरिए के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे, जिसका सीजर का खर्चा सिर्फ 4,000 से 5,000 रहेगा, वो भी क्यों रहेगा, जो उसको सामान लगने वाला है। जैसे कि इधर हड्डियों के डॉक्टर 1,000,000,000 रुपए लूट रहे हैं, इधर हार्ट के पेशेंट 1,000,000,000 रुपए लूट रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने बहुत हिम्मत दी मुझे,
बहुत ताकत दी और मेरे पीछे बहुत बड़ी हस्ती खड़ी हुई है, चंद्रशेखर आजाद साहब जो है आज वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर मुसलमानों की जो नजर है बीजेपी की, उस चीज के ऊपर कोई आवाज उठाने वाला रहेगा तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद है। मुसलमानों की हक की लड़ाई और हर एक समाज की हक की लड़ाई के अंदर लड़ने वाला कोई नेता रहेगा वो चंद्रशेखर आजाद साहब है। मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि अगर आप वादे बहुत करते हैं लोग, आप अगर कभी मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे तो मुझे एक बार आजमा के देखो। आपने 40 साल से वादा करने वालों को आजमा लिए, मुझे एक बार आजमा के देखो। सिर्फ मैं सभी जनता से वादा करता हूँ कि मैं इधर दो चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देने वाला हूँ। एक मेरी माँ बहने मैं देखता हूँ कि 100-100 नंबर लगते हैं, सुबह से शाम तक दो दो तीन दिन तक उनके नंबर नहीं आते। इधर पहले तो हॉस्पिटलों की कमी है, उसके अंदर ऑक्सीजनों की कमी है, मगर यहाँ पे मेरे भाई बहन सभी गोर गरीब यहाँ पे नंबर लगाते तो तीन तीन दिन तक उनका नंबर नहीं आता है। तो मैं सभी जनता से अपील करूँगा कि अपना भाई समझ के, अपना छोटा भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के मुझे एक चांस दो, सिर्फ एक चांस दो। ये मुश्ताक हाजी की आवाज़, एक चांस दो मुझे सिर्फ, मैं बताऊंगा इधर डेवलपमेंट क्या रहता है। इधर 40 साल से इन्होंने राज करने के बाद भी कभी ये सोचे नहीं कि इधर की जनता के प्रॉब्लम क्या है। रास्ते का प्रॉब्लम तो छोड़ दो, मैं कहता हूँ इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल इधर बहुत जरूरी है, इन्होंने इतने बड़े बड़े कॉलेज खोले उसके एक हॉस्पिटल अगर खोलते थे, एक हॉस्पिटल के अंदर जो गोर गरीब को हर एक चीज़ की सुविधा मिल सकती थी, तो यावल रावड़ दो तालुके बहुत बड़ा तालुका है, इधर भी बहुत लोग संख्या है, इन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। आज मैं बताता हूँ आपको कि एम्बुलेंस नहीं है इधर, आज कैसी परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। तो मैं सभी जनता से अपील करूँगा, मेरे माए माओ बहनों से, सभी धर्मों के लोगों से अपील करूँगा कि देखो एक बार मुझे सिर्फ मौका दो आप,